राफेल मामले में सीएजी रिपोर्ट को पीएसी को भेजने की बात पर केंद्र ने गलती मानी, सुप्रीम कोर्ट से बदलाव की मांग की, सरकार की सफाई, कहा कोर्ट को गलत जानकारी नहीं दी, जो हुआ वो गलती से हुआ। संसद की पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा राफेल मामले पर सीएजी को पीएसी के सामने समन करेंगे। राफेल की जांच जेपीसी से कराने की मांग से पीछे हटी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब जेपीसी की जरूरत नहीं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर के बाद तनाव बढ़ा, एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकी और 1 जवान की मौत, एनकाउंटर के बाद सुरक्षा बलों की स्थानीय लोगों से झड़प में 7 लोगों की मौत, इंटरनेट और रेल सेवा रोकी गई। कमलनाथ के शपथ ग्रहण में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, चंद्रबाबू नायडू, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, एमके स्टालिन समेत तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता होंगे शामिल, ममता भेजेंगी अपना प्रतिनिधि, मायावती के शामिल होने पर सस्पेंस। शनिवार को भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद को लेकर नहीं हुआ कोई फैसला, अब रविवार को होगी सीएम की घोषणा। बिहार के नवादा में नाबालिग से रेप के मामले में पटना सिविल हाईकोर्ट ने आरोपी आरजेडी से निलंबित विधायक राजवल्लभ यादव समेत 6 दोषी करार। नरेंद्र दाभोलकर मर्डर केस में सीबीआई 90 दिन गुजर जाने के बावजूद चार्जशीट दाखिल करने में नाकाम, 3 मुलजिमों अमोल काले, राकेश बांगेरा और अमित दिग्वेकर को जमानत मिली। और पर्थ टेस्ट के दूसरे दिन खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर बनाए 172 रन, पहली पारी में भारत ऑस्ट्रेलिया से अभी भी 154 रन पीछे।